नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। भिवानी जिला के लिए बड़ी राहत की खबर है, यहां से डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। कोरोना के चलते कोरोना पॉजिटिव दोनों लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में सहायता मिली। एक को 4 दिन पहले तो दूसरे को आज डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। साथ ही सीएमओ ने भी कहा है कि खुशी की बात है कि कहीं पर भी लापरवाही नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे जिलों तथा प्रदेशों में कोरोना के कई केस हैं, ऐसे में लॉकडाउन व नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भिवानी में 2 अप्रैल को मानेहेरू गांव तथा निजामुद्दीन और सनवा गांव के अब्दुल्ला जमात से आए थे, इनके सैंपल लिए गए थे और 3 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ आमजन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में इन दोनों लोगों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भर्ती करवाया गया था तथा इलाज शुरू किया था। साथ ही उनके परिजनों व संपर्क में आए हुए पड़ोसियों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए और दोनों गांव को सील पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इसके बाद उनके संपर्क में आए हुए सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग को राहत की सांस मिली। अब दोनों को डॉक्टरों ने फूल देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया तथा 14 दिन के क्वारंटाइन के समय के लिए उनके घर पर ही भेज दिया। दोनों पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के बाद में भिवानी जिला पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रशासन, हेल्थ विभाग, सरकार के हर हमारे जो हेल्थ की टीम है उनके सहयोग से हमारे दो पॉजिटिव थे, दोनों अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। निजामुद्दीन का भी जो सेकंड सैंपल था वो आ चुका, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से अब इसको 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करेंगे, हमारी टीम उसको डेली मॉनिटर करेगी। तो आज के दिन सिचुएशन देखते हुए भिवानी में कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। सर, भिवानी में कितने क्वारंटाइन पे है? जिस तरह से 8 सेंटर भिवानी में क्वारंटाइन पे थे 18 पेशेंट, उनके भी जैसे लोहानी में, अब उनको भी आज शायद छुट्टी कर देंगे क्योंकि उनका भी टाइम पूरा हो चुका है हमारा। तो सिचुएशन ओवरऑल देखो तो भिवानी की आप सबके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से ठीक चल रही है अभी हमारी। सर, लोग ये सोचे कि अब कोई पॉजिटिव नहीं है तो कोई लापरवाही नहीं करते तो क्या? नहीं, अभी इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अभी तो सरकार की वजह से गए लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया, अभी प्रिकॉशन से हमने जो चल रही है वैसे की वैसे रखनी है। इसमें कोई डिलाई किसी भी तरीके की हुई तो सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि और जो स्टेट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जिसमें केसेस आए जा रहे हैं, तो इस मान के कि ये भैया हम बिल्कुल ही ठीक हो गए, सारी चीजें ऐसी होगी, ऐसा अभी नहीं करना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं जो प्रशासन जारी करता है, जो निर्देश या फिर स्वास्थ्य विभाग, उसका भी पब्लिक को पालन करना है। और इसी तरीके से जैसे पीछे धैर्य बनाए रखा है, इसी तरीके से धैर्य बना के रखना है।